नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त संतोष। इस वीडियो में आप देखेंगे एंथ 505 इंसेक्टिसाइड कैसे काम करता है, कौन कौन सी फसलों में कितना मात्रा देना होता है और कौन से इंसेक्ट को नियंत्रण करता है, वो सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन अपना ऑन जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। ये जो एंथ 505 कृषि रासायनिक एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इसको प्रोटेक्शन करती है और जो ये जो देख रहे हैं ये 250 ml का, ये जो डब्बा आप देख रहे हैं 250 ml का है और इसका रेट जो है वो 245 रुपये का है। तो ये 250 ml जो है 250 ml आपको 250 रुपये का ये उपलब्ध हो जाता है मार्केट में। आने वाला समय में इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं उस पर। और ये जो देख रहे हैं एंथ 505, तो इसका टेक्निकल नाम की बात करें तो क्लोरपाइरीफॉस जो होता है वो 50% इसमें होता है और सेफरमेंथ्रीन जो होता है वो इसमें 5% इसी में होता है। और इसका पैकिंग के बात करें तो 100 ml में आता है, 250 ml में आता है, 500 ml में आता है और 1 लीटर और 5 लीटर में आता है इसका पैकिंग। और इससे जो कीट नियंत्रण होता है, जो इंसेक्ट नियंत्रण होता है उसमें आता है कैटरपिलर, लीफ माइनर, टॉप बोर्डर, स्टेम बोर्डर, रस चूसने वाला जो इंसेक्ट होता है वो होता है, दीमक होता है और जो इलिया होते हैं वो भी जो होता है इसे नियंत्रण हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो है कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, किन किन फसलों में आप जो है इसको यूज कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट आता है वो जैसे कि आप स्प्रे कर देते हैं किसी भी फसल पर, इसका स्प्रे करते हैं तो तुरंत इसको स्प्रे करते ही उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है। उसके बाद देखेंगे तुरंत ही रिजल्ट आना स्टार्ट होता है और 15 से लेकर के 18 दिन तक ये अपना कार्य करता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलों पर जो होता है इसका स्प्रे कर सकते हैं, इंसेक्ट को जो होता है नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले धान पर जो होता है इसका स्प्रे कर सकते हैं। धान पर स्प्रे करते हैं जैसे कि धान लगा दिए हुए हैं और धान जैसे लगाए हुए 35 से 40 दिन का हो गया हुआ है तो उसके ऊपर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और कपास के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं, कपास जो होता है उसके ऊपर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं और जो होता है मिर्च के ऊपर जो होता है, मिर्च जो होता है उसके ऊपर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जो गन्ना होता है गन्ने के ऊपर भी इसका स्प्रे आप कर सकते हैं, गन्ने के ऊपर भी जैसे कि गन्ना की खेती करते हैं उस समय जब वो निकल करके ऊपर आ जाता है 4 से 5 पत्ती का जब हो जाता है गन्ना तो उसमें भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बंद गोभी जो होता है उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं आप, बंद गोभी के ऊपर भी, फूल गोभी नहीं मैं बता रहा हूँ बंद गोभी बोल रहा हूँ, तो बंद गोभी के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं और मक्का के ऊपर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सब जो है स्प्रे करने का जो फसलें हैं वो सारे नाम जो बताया हूँ इस सारे फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना डोज में ले, 400 ml 1 एकड़ में 200 लीटर पानी के साथ में जो होता है इसको मिक्स करके और फिर आप उसके बाद स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट होता है उसका डोज उतना ही होता है, न कि आप जो फसल होता है उसके डोज के हिसाब से जैसे फर्टिकेशन करते हैं उस हिसाब से देना होता है, क्योंकि ये डोज जो होता है वो इंसेक्ट को होता है, जो कीट होता है उसका होता है। तो चाहे जोन से भी फसल में आप स्प्रे करना हो आपको उस फसल में स्प्रे आप इस प्रकार से 400 ml 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।